अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, गुड इवनिंग, वेलकम टू फूड डायरीज। मैं हूँ ज़ारनक सिद्वा, आपके सामने हाजिर एक और एपिसोड के साथ। आज हम क्या बनाने जा रहे हैं जी? आज हम विंटर वेजिटेबल स्टू बनाने जा रहे हैं। बहुत ही आसान, बहुत ही मज़े का टमेटो सूप पहले हम बनाएंगे, उसका हम बेस बनाएंगे और फिर हम सब्जियाँ डालेंगे। और आपको पता है इस सीज़न में सब्जियाँ बहुत अच्छी आती हैं, तो मैंने कहा वाई नॉट मेक मोस्ट यूज़ ऑफ इट। और दूसरी रेसिपी आज की हमारी है हुमस, लेकिन हुमस हम आज एक अज्जा डाल के बनाएंगे जिससे बहुत ही मुख्तलिफ सा बनेगा, कलर भी इसका चेंज हो जाएगा। तो वो है बीट रूट, चुकंदर का हम हुमस बनाएंगे, ठीक है। आजकल इट्स रियली इन टू मेक रेड पेपर हुमस, यानी कि लाल वाली जो शिमला मिर्च होती है उसको रोस्ट करके उसका हुमस बनता है। ऑलिव्स वगैरह तो हम डालते ही हैं जब रेगुलर हुमस बनाते हैं, लेकिन बहुत सारे मुख्तलिफ फ्लेवर्स के साथ आप प्ले अराउंड करेंगे ना। बेसिक रेसिपी हुमस की एक ही होगी, उसमें आप चीज़ें डालें और एक्सपेरिमेंट करें और देखें कितना मज़े का बनता है, कितना हेल्दी होता है। इसमें ऑलिव ऑयल होता है, ताहिनी पेस्ट होता है, ज़रूर इसको ट्राई करिएगा, ठीक है। दिस इज़ अ वेरी सिंपल रेसिपी, एज अ डिप You can have it, enjoy it with pita bread या फिर सब्जियाँ या फिर chips या bread sticks, whatever you like। तो ये तो बस blender में जाके हर चीज़ blend हो जाएगी। Winter vegetable stew हम बनाने जा रहे हैं, उसके लिए हमें पहले क्या करना है, 1 किलो टमाटर लिए हैं मैंने यहाँ। 1 किलो टमाटरों को आपने डाल देना है एक बोल में, एक पैन में इनफैक्ट। उसमें आपने 1/2 किलो प्याज डालनी है, ठीक है। और आप देखेंगे कि मैंने इतनी बड़ी बड़ी प्याज और टमाटर काटे हुए हैं, तो ये क्या है जी? तो ये हम पकाएंगे, जब ये नरम हो जाएंगे इनको हम ब्लेंड कर देंगे, फिर हम इसको छान लेंगे, ठीक है। तो ये टमेटो का जो एक स्टॉक सा बन जाएगा, आप ऐसे ही समझ लीजिए, ये बेस होगा हमारी इस स्टू का। हम इसमें डालेंगे पानी और नमक, काली मिर्चें डाल के इसको हम पका देंगे, दैट्स इट। नमक, काली मिर्चें, प्याज, पानी और टमाटर, एंड दैट्स इट। इसको हम ढक देते हैं, इसको हम पकने देते हैं, ठीक है, ओके। फिर हम क्या करेंगे, मैंने क्या सब्जियां इस्तेमाल की हैं यहाँ, कॉलीफ्लावर है यानी कि बंद गोभी, सॉरी फूल गोभी, और इसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट दिया है। और ये है हरे प्याज, ये है फली, कोई भी बीन्स आपको इस्तेमाल करने हो, जो भी आपको अच्छे लगते हो, शिमला मिर्च है और गाजर है, ठीक है। आप इसमें आलू डाल सकते हैं, आप इसमें कॉर्न डाल सकते हैं, आप इसमें मकई के अलावा जो भी कोई भी सब्जियां आपको अच्छी लगती हैं, छोटी छोटी ब्रोकली डाल सकते हैं, जो भी सब्जियां आपके शहर में मिलती हों, आपको अच्छी लगती हों, घर में लोग खाते हों, वो इस तरह पका लीजिएगा। और सारी सब्जी एक ही साइज़ की रखिएगा ताकि साथ ही पक जाए। बहुत बड़ी छोटी होंगी तो छोटी जो होंगी जल्दी गल जाएंगी, बड़ी जो होंगी वो कच्ची रह जाएंगी। सो कीप ऑल द वेजिटेबल्स इक्वल साइज़ की काटिएगा, ठीक है, ओके। ये है, अब इसकी क्वांटिटीज़ भी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू मेक लार्ज क्वांटिटीज़ आप ज़्यादा रखिएगा। मैंने एक छोटी सी फूल गोभी लिया हुआ था, और मैंने बस 2 हरे प्याज लिए थे, 1 गाजर लिया था बड़ा, 1 शिमला मिर्च थी, और ये बस 1/2 पाव जितने थे, ठीक है, बिकॉज ये सारा बनेगा भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ओके। तो यहाँ टमाटर, प्याज, पानी, काली मिर्चें और नमक डाल के हमने इसको पकाना है। जब ये हो जाएगा, अब ये मैं करके रख देती तो फिर क्या करती ना आपके सामने, तो इसलिए मैंने ये रखा है अभी। दिस विल टेक सम टाइम, जब थोड़े से टमाटर नरम हो जाएंगे, गल जाएंगे, तो हम ब्लेंडर में डाल के उनको ब्लेंड कर देंगे, फिर हम छान लेंगे छन्नी के थ्रू ताकि बीज और जो उसके छिलके वगैरह हों वो निकल आए, और फिर हम उसका जो उसको पकाएंगे ताकि वो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए, उससे हम फिर यूज़ करेंगे, ओके। दिस इज़ योर बेस फॉर द विंटर वेजिटेबल स्टू। आपको याद दहानी के लिए बताते चलें कि कल और परसों हम सब होंगे, सारे मसाला के शेफ्स होंगे, लाइव कुकिंग करेंगे, आपसे मुलाकात करेंगे, तस्वीरें आप खींच सकते हैं, मिल सकते हैं, ऑटोग्राफ ले सकते हैं, बातें कर सकते हैं, कोई चीज़ पूछनी हो वो पूछ सकते हैं, ज़रूर आइएगा एक्सपो सेंटर कराची में। कल मेरा टाइम वहाँ 1:30 बजे के बाद का है, मैं अंदर होंगी 1:30 से 2:30-3 बजे तक, फिर मैं बाहर आऊँगी और वहाँ कुकिंग का जो पूरा फूड कोर्ट होता है और बहुत सारे स्टॉल्स हैं, इस दफ़ा 2 हॉल्स की जगह 4 हॉल्स हैं, तो बहुत बड़े बहुत बड़ा है इस दफ़ा एक्सपो, तो ज़रूर आइएगा मसाला फैमिली फेस्टिवल में। देखें, इट्स कुकिंग ना, सारे शेफ्स के टाइम ऐसे ही हैं, दोपहर से शाम रात तक।
आई एम श्योर सबने अपने शोज में अनाउंस भी कर दिए होंगे। अच्छा, मैं इसमें थोड़ा पानी बाद में डालूंगी, आई डोंट वांट कि बहुत ज़्यादा पानी हो। पहले ज़रा टमाटर और प्याज पक जाएं, फिर हम ब्लेंड करेंगे, छानेंगे, उस तरह हम पानी डालेंगे। बहुत ज़्यादा पानी होगा तो फिर वो बहुत ज़्यादा पतला रह जाएगा, और एंड में हमें इसमें दूध डालना है। सो यू कैन सी दैट इट्स गोइंग टू बी अ वेरी नाइस, वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ अ स्टू, तो इसको ज़रूर आपने ट्राई करना है। ओके, शैल वी टेक अ ब्रेक अब? अच्छा ठीक है। अच्छा, ये आपको बताती चलूँ कि सैटरडे और संडे मैं हूँ यही टाइम्स, ठीक है। संडे को भी मेरा यही टाइम है, दोपहर में मैं अंदर होंगी जहाँ हॉल है हमारा, एक्टिविटीज़ जहाँ होती हैं, जहाँ हम गेम्स आपसे खिलवाते हैं, और जहाँ हम आपको गिफ्ट्स देते हैं, और जहाँ आप लोग हमसे मिल सकते हैं, तो ज़रूर आइएगा। बहुत सारे लोगों ने मुझे ऑलरेडी लिखना शुरू कर दिया है टाइमिंग्स और टिकट्स, और टिकट्स अवेलेबल हैं गेट पे। और हाँ जी, नेक्स्ट वीक का भी आपको याद दिलाती चलूँ कि मंडे टू फ्राइडे आपको पता है पीर से जुमा हमारा शो शाम को 7 बजे लाइव होता है। गेस्ट वीक हमने रखा है, बहुत सारी बच्चियां हैं, लेडीज़ हैं जो घर से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाती हैं, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा हमारा शो, हमारे साथ रहिएगा, उनको भी इनक्रेज करिएगा, सारे नए गेस्ट हैं हमारे शो पर, और वो बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाएंगे जो डिफरेंट सी, यूनिक सी वो बनाते हैं घर में या बेचते हैं। और दो तो आई थिंक छोटी बच्चियाँ हैं जो स्कूल गोइंग हैं, और अभी से वो बिज़नेस भी कर रही हैं, उन्होंने अपने पेजेस भी बना दिए हैं और वो बेच भी रही हैं चीज़ें। सो दैट्स रियली अ नाइस थिंग, एंड आई रियली लाइक टू एनकरेज चिल्ड्रन जो इस एज से कुछ करते हैं, कुछ करना चाहते हैं, सीखते हैं हमसे और फिर चीज़ें बनाते हैं। सो आई रियली इनक्रेज दैट, मुझे बहुत मज़ा आता है ऐसे लोगों को इनक्रेज करना और इस प्लेटफॉर्म पे लेके आना फूड डायरीज़ के, और एंड आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट। तो अगर आप भी घर पे कुछ बनाते हैं, कुछ करते हैं, ऐसी कोई चीज़ आप करते हैं अगर, तो फिर आप ज़रूर हमें लिखिएगा फूड डायरीज़ के पेज पे और बताइएगा आप लोग क्या क्या करते हैं। इट नीड नॉट ओनली बी कुकिंग, कुछ और भी अगर करते हों तो मुझे ज़रूर लिखिएगा, आई वुड लाइक टू नो। और इसी के साथ नाजरीन, हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, आपने कहीं नहीं जाना है, हमारे साथ रहिएगा जब तक कि टमाटर प्याज जरा पक जाएं, फिर वील स्टार्ट आवर वेजिटेबल स्टू। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग फूड डायरीज। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं फूड डायरीज, और मैंने क्या किया था, विंटर वेजिटेबल स्टू हम बना रहे हैं। तो मैंने प्याज आधा किलो, 1 किलो टमाटर, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्चें, 1 कप पानी के साथ इसको मैंने पका दिया था पैन में, ठीक है। जब टमाटर नरम हो गए तो हमने उसको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर दिया था। एक बैच मैंने ब्लेंड करके छान लिया है, दूसरा बैच आपके सामने हम करेंगे। ओके, अब ये हो गया है, अब इसको हम छन्नी के थ्रू, आपने देखा मैंने ज़्यादा पानी नहीं डाला था, बाद में आप डाल सकते हैं, बहुत ज़्यादा पानी होगा तो हमें इसको बहुत ज़्यादा फिर कुक करने में टाइम लगेगा ना। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे इन आ ब्लेंडर, इसको आपने छान लेना है। टमाटर प्याज काली मिर्चें नमक और पानी, बस और कुछ नहीं था, ठीक है। छन्नी के थ्रू इसको आप स्ट्रेन कर दीजिएगा। ओके, ये हो गया। कौन कौन आ रहा है कल हमें एक्सपो पे मिलने, जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे रेगुलर कॉलर्स हैं जरूर हमें अपना नाम भी बताइएगा ताकि हमें पता चले कि कौन कौन आया था जी मिलने, और हम आपके नामों के साथ, आवाज के साथ फिर फेस भी एसोसिएट कर सकें। महा हैं लाहौर से, उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल हैं जी? मैं अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, थैंक यू, फरमाइए। आपका शो बहुत अच्छा था, मैं तो आपको रेगुलर कॉल करती हूँ। जी जी, मैं आवाज पहचान गई, फरमाइए। हाँ जी, एक तो मैंने आपसे ये कहना था कि कल जो आपका एक्सपो सेंटर है उसके लिए मैंने आपको बहुत दुआएं देनी थी कि अल्लाह आपका जो हो रहा है वो बहुत अच्छे तरीके से हो। थैंक यू। आप लोगों का लाहौर कब होना है एक्सपो? लाहौर हम सितंबर में आए थे ना, आप पता नहीं इस साल कब आएंगे, पिछले साल तो सितंबर अच्छा। में आए थे। हाँ, मेरा बड़ा दिल करता है कि आप जल्दी से बस आ जाएं इधर भी, हमने भी मिलने आना है। हमें भी आना है लाहौर, हमें बहुत सारी शॉपिंग करनी है, मजे मजे का खाना खाना है।
जी जरूर। अच्छा मैंने कहना था कि कोई नगेट्स बनाना बता दें जो चिकन के पीस से नहीं बनते, छोटे छोटे पीस करवाते हैं, एक तो होता है ना उसका कीमा होता है उसके, नहीं जो चिकन के पीस होते हैं, चिकन के पीस के साथ और चिकन के कीमे के साथ दोनों तरह के मैं करा चुकी हूँ। इनफैक्ट मसाला के पेज पे कल अपलोड भी हुए थे, तो आप मसाला टीवी के वेब पेज पे देख लीजिएगा या फिर आप मेरे पेज पे देख लीजिएगा, ठीक है जी। मैंने तो दोनों लाइक किए हैं, लेकिन मैं अभी जाके फोटो सेक्शन देखिएगा, आई थिंक उन्होंने कल ही दोबारा वो किया था, रीपोस्ट किया था, ठीक है, थैंक यू। अच्छा ये देखें, ये जो बीज थे, जो छिलका था वो छन्नी में रह गया और ये अच्छा सा एक स्मूथ सा प्यूरे आपका टमाटर और प्याज का इसमें निकल आया है। मुझे थोड़ा सा पानी डाल के इसको बस मिक्स कर देना है, एंड दैट्स इट। बहुत थोड़ा सा पानी इसमें डालेंगे, ये आपके स्टू का बेस बन गया है। This is also done. अब हम थोड़ा सा मक्खन और तेल गरम करेंगे, उसमें थोड़ा सा लहसुन को थोड़ा सॉटे करेंगे, थोड़ा सा तेल और बहुत थोड़ा सा मक्खन, और फिर हम इसमें सब्जियां डालेंगे। सब्जियां डालने के बाद बहुत ज़्यादा आपने ओवर कुक नहीं करनी है सब्जियां, ठीक है। ये जो सारी सब्जियां हैं तो बहुत ही जल्दी गल जाएंगी, आलू होता तो आप पहले आलू डालते, अब ये बीन्स भी हो जाएंगे, शिमला मिर्च भी हो जाएगी। इनफैक्ट आई लाइक माय शिमला मिर्च हमेशा थोड़ी कच्ची पक्की, क्रंच उसमें रहता है। और सब्जियां अगर आप ओवर कुक करके उसकी भुजिया बना देंगे ना, या भुरता बना देंगे उसका आप, तो फिर क्या होगा, सारे जो न्यूट्रिएंट्स होंगे आपके सब्जी के वेजिटेबल्स के वो तो ख़त्म हो जाएंगे। तो सब्जी खाने का फ़ायदा क्या हुआ ना, उसका रंग बरकरार रहना चाहिए, रंग भी मुरझाना नहीं चाहिए। तेल और मक्खन, फिर लहसुन के जवे, और हमने इसमें सब्जियां डालना शुरू करना है। तो पहले मैं इसमें ये फूल गोभी डालूंगी, कॉलीफ्लावर, ठीक है, छोटी सी एक ली थी और छोटे छोटे पीसेस में काट लिया था। फिर उसमें हम डालेंगे फली, ग्रीन बीन्स, कोई भी बीन्स ले लीजिए, तीन चार एग्जाम के मिल रहे हैं आजकल मार्केट में, शिमला मिर्च, गाजर, और मैं हरे प्याज बाद में डालूंगी, नॉट नाउ, बहुत ज़्यादा मुरझा जाते हैं जल्दी से। इनको ज़रा सॉटे कर दीजिएगा मक्खन, तेल और लहसुन में। फिर काली मिर्च और नमक दोबारा इसमें हम डालेंगे। और नसरीन से बात करते हैं, उन्होंने कराची से कॉल की। हेलो जी, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे, मेरे पास मार्शमेलो क्रीम है, तो प्लीज आप मुझे मार्शमेलो क्रीम से कुछ बनाना बता दें। ठीक है, बनाना बताएंगे। मार्शमेलो क्रीम यहाँ सबको अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैंने रेसिपीज नहीं की है। बहुत सारी ऐसी रेसिपीज हैं जो आप कुकी डो के साथ कर सकते हैं, ब्राउनी के साथ आप उसको एक लेयर ऊपर कर सकते हैं, फिर उसके ऊपर गनाश डाल दीजिएगा, केक के बीच में आप लेयर कर सकते हैं, ठीक है, यू कैन यूज दैट। ओके, ठीक है। मैंने भी यहाँ से नहीं खरीदी है, मैं बाहर गई थी तो वहां से मैं लेकर आई हूँ जी। मुझे पता है यहाँ नहीं मिलती है मार्शमेलो क्रीम, और बहुत मजे की होती है, मगर रेसिपी मैं ऐसी कराती हूँ अपने शो पे जो सारे अज्जा कराची में, पाकिस्तान में अवेलेबल हो ना। हमारे दूसरे व्यूअर्स फैंस क्या करेंगे, मार्शमेलो क्रीम कहाँ से लाएंगे जी। जी सही सही कह रही हैं आप, वो भी है ना। हाँ तो मैं वो जो चॉकलेट बनाना बताते हैं आप लोग, उसमें चॉकलेट में फिल कर दीजिए, भर सकती हूँ चॉकलेट में, गणेश की जगह फिल कर दीजिए, या आप केक बनाना सिखाया है तो चॉकलेट केक में तय लगा दीजिए उसकी गणेश के साथ या गणेश की जगह, ठीक है जी। जी ऐसे करिएगा ट्राई। ओके थैंक यू, मैंने फर्स्ट टाइम फोन किया था, मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है और मैं रोज 7 बजे देखती हूँ। थैंक यू, ऐसे ही देखते रहिएगा, पीर से जुमा हमारा शो जी। थैंक यू, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ओके, अब हमने क्या किया था, थोड़ा सा तेल गरम किया, उसमें थोड़ा सा मक्खन डाला, उसको पिघलने दिया, फिर हमने लहसुन के जवे क्रश करके या चॉप करके डाल दिए, ठीक है। प्लीज बहुत दिनों पुराना अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं डालिएगा, सिर्फ लहसुन है, चॉप करके क्रश करके उसी वक्त फौरन हो जाता है, वो डाल दिया। फिर हमने सब्जियां डाली, जो भी सब्जियां हों वो छोटी छोटी काट के डालिएगा, आप इसमें मटर डाल सकते हैं, आप इसमें 2-3 रंग की शिमला मिर्च डाल सकते हैं, मकई डाल सकते हैं। मैंने इसमें गाजर, फूल गोभी, बीन्स और शिमला मिर्च, और फिर ये जाएगा हरे प्याज, अच्छा कुटी हुई काली मिर्चें,
नमक कहीं मैं ऐसे नहीं डाल दूं। अच्छा, नमक मैं कम डालूंगी इसलिए कि मैंने टमेटो सूप जो बनाया था बेस इसका, उसमें भी डाला है। नमक पहले हम कम डालेंगे, फिर जरूरत पड़ेगी तो हम और डाल सकते हैं बाद में। ओके, अब इसको हमें एक दफा फिर हम इसको सौटे होने देंगे। मक्खन में सौटे हुई सब्जियों की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, और ये जो टमेटो का जो हमने बेस बनाया था ना, जो इसका सूप सा बनाया था, मैंने 1 किलो टमाटर लिए थे, बड़े बड़े पीसेस में काट लिए थे, 1/2 किलो मैंने प्याज लिए थे, उसको भी बड़ा बड़ा चॉप कर दिया था, नमक, काली मिर्चें, प्याज, टमाटर और पानी के साथ मैंने कुक कर दिया था, फिर ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर दिया, छान लिया, बीज और इसका छिलका अलग हो गया। तो ये जो सूप आपके पास रेडी है इसको आपने इसमें डालना है, ठीक है, और इसमें ये पकेगा, और ये बहुत भारी बोल है, आई नीड एन असिस्टेंट। जब भी ये बोल भरा हुआ होता है, इट्स टू हैवी। ओह, और इसको आपने देखें कितना स्मूथ इसका बेस हो गया, ठीक है। अब एक उबाल आ जाएगा, हम इसमें दूध डाल देंगे एंड योर स्टू इज रेडी। अच्छा, अब आप इसमें पानी थोड़ा सा डालेंगे, बिकॉज ये बहुत गाढ़ा है, मैंने इसलिए पहले पानी नहीं डाला था, बहुत थोड़ा सा पानी, एंड हम इसका ढक्कन ढांक देंगे वरना ये हर जगह उड़ेगा। और आंच भी हम हल्की कर देते हैं, और इसी के साथ हम लेते हैं छोटी सी ब्रेक। फूड डायरीज में आपने कहीं नहीं जाना है, हमारे साथ रहिए और देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं फूड डायरीज, और मैं यहाँ दूर से खड़ी थी बिकॉज ये बहुत उड़ रहा है, नहीं मैं मजाक कर रही हूँ। ओके, द स्टू इज रेडी, देखें सब्जियां इतनी अच्छी गल गई हैं, लेकिन कलर उनका वही रहा है। अब हम इसमें एंड में हरे प्याज डाल देंगे बिकॉज वरना वो बहुत ज्यादा नरम हो जाएंगे, और दूध डालेंगे 1 कप, ठीक है। कलर देखिए अब, और बहुत ज्यादा इसको पतला नहीं रखिएगा, इसको आप डिनर रोल्स के साथ, ब्रेड के साथ, गार्लिक ब्रेड के साथ सर्व करिएगा, है ना। मुख्तलिफ सी रेसिपी ट्राई जरूर करिएगा, मुझे फीडबैक दीजिएगा। फूड डायरीज एट मसाला TV.TV मेरा ईमेल एड्रेस है, फूड डायरीज रेसिपीज के नाम से हमारा पेज है, फिर हम आपको दिखाएंगे पेज भी। 3,03,000 प्लस जो मेंबर्स हो गए वो वाला पेज ज्वाइन करिएगा। तो ये व्हाइट स्टू भी नहीं है और रेड स्टू भी नहीं है, इट्स अ मिक्सचर। नरगिस है हैदराबाद से, उनसे करते हैं बात। हेलो जी। हेलो, सलामकुम। सलामकुम, क्या हाल है जी? ठीक है, आप मुझे बहुत अच्छी लगती है, आपकी हर रेसिपी ट्राई की है मैंने, बहुत अच्छी होती है। वाकई हर रेसिपी ट्राई की है, तो फिर आप आके किसी दिन बनाइए ना हर रेसिपी में से कुछ मेरे लिए। अच्छा, जरूर जरूर। और मुझे आपसे एक बात करनी थी, मुझे आपकी स्माइल बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हमारे साथ रहने का। रेसिपीज ट्राई करिएगा, ठीक है। कौन है? मैं हूँ आपकी बेबी पूछ रही कौन है। थैंक यू। ओके, चले रिकैप कर देते हैं मैंने क्या किया था। मैंने 1 किलो टमाटर लिए थे और 1/2 किलो प्याज लिए थे, ठीक है। उसमें नमक, काली मिर्चें डाल के, थोड़ा सा पानी डाल के उसको एक पैन में मैंने रख दिया था पकाने के लिए। जब वो गल गए टमाटर, तो हमने ब्लेंडर में डाल के उसको ब्लेंड कर दिया, फिर छन्नी के थ्रू हमने उसको छान लिया, ठीक है। फिर वो बेस बन गया हमारे वेजिटेबल स्टू का। अब हमने क्या किया, थोड़ा सा तेल, थोड़ा सा मक्खन गरम करके, थोड़े से लहसुन के जवे चॉप किए हुए या क्रश किए हुए हमने डाल दिए, और उसको हमने सॉटे कर दिया, ठीक है। फिर हमने सारी सब्जियां डाल दी और नमक कुटी हुई, काली मिर्चें भी डाल दिया, और उसको हमने पकने दिया। अब नमक कुटी हुई ये हम खोल देते हैं, दिस इज डन। ओके, अब हमने क्या किया, सब्जियां कौन सी इस्तेमाल की, मैंने शिमला मिर्च, हरी प्याज, गाजर, और क्या था, फली, और क्या था, हाँ कॉलीफ्लावर था, फूल गोभी, देखे मैं बूढ़ी हो गई, मुझे लगता है मैं भूल जाती हूँ चीज़ें, मुझे बादाम खाने चाहिए कल सुबह। और ये मैंने डाल के उसको मैंने ज़रा सॉटे कर दिया, नमक, काली मिर्चें और मज़ीद थोड़ी सी डाल दी, और फिर मैंने जो वो सूप बनाया था प्याज टमाटर वाला वो डाल दिया, छना हुआ, हाँ प्लीज़ वो डाला, और एक उबाल आ गया। सब्जियां भी पक जाती हैं जल्दी से, सब्जियों को गलाइए नहीं। आपने देखा मैंने चूल्हा बंद कर दिया था ब्रेक में, सब्जियां गल गई थी, ठीक है। एक क्रंच, एक बाइट होना चाहिए सब्जियों में। और फिर मैंने एक उबाल आ गया तो मैंने दूध डाल दिया, और हरी प्याज मैंने अभी एंड में डाली कि हरी प्याज बहुत ज़्यादा गल नहीं जाए। और ये सारी चीज़ें आप सब्जियां अलग बना के, सूप अलग बना के रख सकते हैं, फिर खाने के टाइम पे आप उसको मिक्सअप कर दीजिए, ठीक है। और फिर आप उसको एक उबाल आए और फौरन आप उसको सर्व कर दीजिए, वरना बहुत देर सब्जियां पका के आप इस तरह रखेंगे तो उनका कलर सा मुरझा सा जाएगा, दे विल्ट ऑल्सो। और मैंने दूध डाल दिया एंड दिस इज रेडी, मैं आपको दिखा देते हैं।
ये कंसिस्टेंसी है इसकी, और इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं करिएगा, ठीक है। आप चावलों के साथ भी खा सकते हैं, अगर आप डिनर रोल्स के साथ खाना चाह रहे हैं तो फिर थोड़ा सा आप उसको और मज़ीद कुक करिएगा। इसमें आप बहुत सारी सब्जियां डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद है। सलमा है कराची से, उनसे करते हैं बात अब। हेलो जी। हेलो जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? जी बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया, फरमाइए। आपकी डिशेस बहुत अच्छी होती है, हम लोग सारी ट्राई करते हैं। थैंक यू, करते रहिएगा इसी तरह। कोई फरमाइश है तो बता दीजिए। जी नहीं, आप सारी पूरी हो जाती है, फरमाइश कोई नहीं है। ठीक है, तो आप आएंगी कल? जी हाँ, मैं तो कल परसों दोनों दिन आऊंगी एक्सपो पे। सुने ये बोलते हैं कि टिकट जो है पहले मंगवा के रखें? नहीं नहीं, गेट पे मिलेंगे, गेट पे मिलेंगे जी, पहले से नहीं मंगवाइएगा, गेट पे आके खरीद लीजिएगा। ठीक है, चलें ठीक है, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ओके, अब हम दूसरी रेसिपी पे आते हैं, फिर हम ब्रेक में इसको निश में निकाल देंगे। यहाँ पीटा ब्रेड है, पीटा ब्रेड को हम, मैंने इतने बड़े बड़े इस तरह ट्रायंगल्स में काटा हुआ है। द रीजन इज कि मेरे पास यहाँ वो डिप एंड चिप बोल्स नहीं आते हैं उस तरह, वन मोर गैजेट, वन मोर समथिंग फॉर माई शो। ये इसमें आप रख सकते हैं ऑल द डिप, या जो भी आपको सॉस रखना हो, या फ्रेंच फ्राइज रख सकते हैं, या आप इस तरह कटी हुई सब्जियां भी रख सकते हैं। ठीक है, क्लिंग लगा के मैंने सब्जियों को रख दिया था, और ये हैं गाजर और खीरा। इस तरह इतना टाइट बंद किया है कि कहीं गाजर और खीरा भाग नहीं जाए। हाँ ओके, मीनवाइल लेट्स स्टार्ट पुटिंग देम। थोड़ा सा हल्का सा पीटा ब्रेड को ब्राउन करना जरूरी है। पीटा ब्रेड इस फॉर्म में कच्चा होता है, आधा कच्चा होता है। दिस विल गो लाइक दिस, ठीक है, दिस इज योर। हमेशा चिप्स के साथ नहीं सर्व किया करें चीज़ों को, और हमेशा हुमस वगैरह तो आपको पता है कि वो तो हम हमेशा सर्व करते हैं विथ वेजिटेबल्स, या फिर हम सर्व करते हैं उसको पीटा ब्रेड के साथ। सो वी डू दैट। इसको आपने हल्का सा टोस्ट करना है, ठीक है। और जो सारे अज्जा हैं, अगर आपको बीटरूट हुमस नहीं बनाना है तो आप इसमें से सिर्फ बीटरूट निकाल दीजिएगा, दूसरी सारी चीज़ें यही डाल दीजिएगा। नाउ लेमन जूस डिपेंड्स आपको कितना डालना है, और ऑलिव ऑयल भी, जितना मैंने लिखा है उतना ही डालिएगा, वरना आपको ज़्यादा डालना हो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। नाजिया है लाहौर से, उनसे करते हैं बात। हेलो नाजिया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? कैसे हैं जनक आपकी? मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच, आप कैसी हैं? हाँ जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है। और ना आप ही माशाल्लाह आज कुकिंग बहुत अच्छी कर रही हैं। थैंक यू जी, ट्राई करिएगा रेसिपीज। जी रेसिपीज ट्राई करिएगा। बिल्कुल मैं आपकी करती हूँ जी। क्या क्या कह रही हैं? जनक अभी मुझे आपसे एक फरमाइश करनी थी। जी जरूर। जनक अभी मुझे वो होते ना वो मलाई टिक्का, क्या वो बनाना सिखा दे, मलाई टिक्का। मलाई टिक्का, ओके ठीक है। और कुछ नहीं, थैंक यू जनक अभी, और बस आप बहुत अच्छी हैं, और मुझे आप बेहद पसंद है। मैं आपसे लाहौर में जब आप आई थी ये मसाला फेस्टिवल में, तो मैं आपसे मिली थी। अच्छा, आपको याद ही होगा, मुझे इतने सारे लोग मिले थे, मुझे याद नहीं है नाम से वैसे ना। जनक अभी एक्चुअली मैं स्टिक से चल रही थी। क्या? मैं स्टिक से चल रही थी। तो मैं स्टिक से चल रही थी। अच्छा 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 अच्छा। हाँ हाँ जी, और आप स्टेज से उतर के मेरे पास आई थी। अच्छा, और मुझे बहुत अच्छा लगा था कि आपने इतनी रिस्पेक्ट की है। अच्छा, मुझे थैंक यू। आपने तस्वीर ली थी मेरे साथ? हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। अच्छा ली थी, तो पेज पे रखिएगा, मुझे दोबारा आपकी शक्ल फिर याद आ जाएगी। ठीक है सना काफी, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच सना काफी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। हम लाहौर आए थे लास्ट ईयर सितंबर में, मुझे याद है, तो वहाँ भी एक्सपो था, कराची में भी था पिछले साल एक्सपो। ओके, आई जस्ट वॉन्ट टू टोस्ट दीज, और तब तक वो ब्रेक में कर लेंगे, फिर ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम हुमस बनाना सिखाएंगे आपको। सारी चीज़ें बस मिक्स कर देनी है, ब्लेंड कर देना है, और सर्व इट। ठीक है, कहीं मत जाइएगा, मेरे साथ रहिए, ओनली ऑन फूड डायरीज। Thank you.
वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं फूड डायरीज। अब हम बनाना शुरू करेंगे बीटरूट का हुम्मस, ठीक है। तो यहाँ मेरे पास एक कप मैंने कच्चे वाले चिकपीज, चने, छोले जो होते हैं वो ले लिए थे, और मैंने पानी में सोडा के साथ रात भर भिगो के रख दिए थे। फिर मैंने क्या किया, इसको बॉयल कर दिया, ठीक है, नरम हमने तो बॉयल करने हैं। और ये चुकंदर है, बीटरूट, उसको भी मैंने बॉयल कर दिया था एक आध। अच्छा, अब हम इसमें क्या क्या चीजें डालेंगे। काली मिर्चें हैं कुटी हुई, ठीक है, ये जाएंगी टीस्पून। फिर इसमें जाएगा हाफ अ टीस्पून, ये ज़्यादा है, जीरा का पाउडर, ठीक है, जीरा पाउडर, मगर भुना हुआ जीरा पाउडर। लहसुन के 3-4 जवे डाल दीजिएगा चॉप करके। और इसमें नमक जाएगा, और इसमें लेमन जूस जाएगा। आयशा है फैसलाबाद से, उनसे करते हैं बात। हेलो जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम बन्ना, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक, और बहुत प्यारी लग रही हूँ। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। शेफ जाकर क्यों नहीं आ रहे? कहाँ नहीं आ रहे? अच्छा, वो यहाँ अब नहीं काम करते हैं जी, वो यहाँ नहीं काम करते हैं जी अब। आपका शो बहुत अच्छा जा रहा है, थैंक यू मुझे आपके शो की। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने का, थैंक यू सो मच। ओके, अच्छा, हुम्मस में मेन चीज क्या डलती है, ताहिनी का पेस्ट होता है, ये तिल का और ऑलिव ऑयल का पेस्ट होता है, ये बॉटल्स में आपको मिल जाता है, ठीक है। आपको पता है कि कोई भी चीज नहीं मिलेगी तो वो मैं नहीं इस्तेमाल करूंगी, ठीक है। ये चला गया अंदर, और क्या जाएगा इसमें, ऑलिव ऑयल थोड़ा सा अंदर जाएगा, थोड़ा सा हम बचाएंगे ऊपर के लिए। उप्स, बचाना भूल गई। इसको हमें ब्लेंड करना है, इसको ऊपर नीचे करेंगे तो जरा ये मिक्स होगा। रिपीट कर देती हूँ मैं क्या क्या मैंने चीजें यूज की हैं। 2 कप बॉईल किए हुए चने थे, ठीक है, 1 अदर चुकंदर था, बीटरूट, लहसुन के 3-4 जवे चॉप करके डाल दीजिएगा, 3 टेबलस्पून भर के मैंने ताहिनी का पेस्ट लिया था, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर लिया था, और 1-2 टेबलस्पून भर के ऑलिव ऑयल लिया था, 1/2 टीस्पून जितना कुटी हुई काली मिर्चें ली थी, लेमन जूस लिया था, और ये चिली पाउडर ऊपर से डालेंगे हम। अब इसको मुझे क्या करना है, अच्छी तरह ब्लेंड करना है, ऊपर नीचे करना है, और इतना स्मूथ होना चाहिए पूरा पेस्ट, आप देखिएगा। अभी जब आप जाएंगे ब्रेक पे तब मैं इसको पूरा का पूरा अच्छी तरह ब्लेंड कर दूंगी, बस। इसमें हम और थोड़ा सा तेल डालेंगे। अच्छा, यहाँ आपने देखा मैंने जो पीटा ब्रेड के ट्रायंगल्स काटे थे वो मैंने यहाँ रख दिए हैं, गाजर और खीरा भी मैंने लंबा लंबा काट के इस तरह यहाँ रख दिया है, और फिर यहाँ हम हुमस रख देंगे, दूसरे भी एक बोल में हम निकालेंगे, ऑब्वियसली इसमें फिट नहीं आएगा। ये विंटर वेजिटेबल स्टू आपका रेडी है, धनिया या हरी प्याज के साथ डेकोरेट करके सर्व कर दीजिएगा। और आई थिंक वी शुड नाउ गो ऑन ब्रेक, और ब्रेक में इसको मैं पीस लूँगी, ब्लेंड कर दूंगी अच्छा सा, स्मूथ सा। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप लेमन जूस या नमक चक्के और ज़्यादा भी डाल सकते हैं, ठीक है। और अगर ब्लेंड नहीं हो रहा है तो चने इतने नरम कर दीजिएगा जब आप पका रहे हो, मैं तो प्रेशर कुक कर देती हूँ 5 मिनट के लिए चने, जब इस तरह की चीज़ें होती हैं, बिकॉज हमें तो इसको ब्लेंड करना ही है ना, नरम ही करना है। तो चलते हैं ब्रेक पे, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं फूड डायरीज, और मैं यहाँ बीटरूट हुमस बना चुकी हूँ। लुक एट दिस लवली पिंक कलर, कोई रंग नहीं डाला है मैंने इसमें, मैंने सिर्फ चुकंदर डाला था, उसकी वजह से इतना अच्छा रंग आया है। अच्छी तरह इसको हम ऊपर नीचे इस तरह मिक्स करते हैं। ओके, अब हम इसको निकालते हैं। ये जो छोटा सा था ना, इसमें हम निकालते हैं पहले।
बहुत ही इंटरेस्टिंग हुमस है ये, बिकॉज बीटरूट का हुमस वैसे नॉर्मली हम लोग नहीं खाते हैं. हम लोग रेगुलर हुमस जो खाते हैं उसमें बीटरूट नहीं होता है, लेकिन कोई बात नहीं, सिर्फ थोड़ा मुख्तलिफ भी कुछ ना कुछ ट्राई करते रहा करें. ये लीजिए, दिस इज रेडी, डिप करके खाइए, इंजॉय करिए. रजिया हैं साहिवाल से, उनसे करते हैं बात. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जी? हाँ जी, कैसी हैं आप जरना कापी? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया, फरमाइए. मैं ठीक हूँ जी. जी बोले, टीवी म्यूट कर दीजिए प्लीज. जी कर दिया वॉल्यूम म्यूट. अच्छा जरना कापी, मुझे आपसे रिक्वेस्ट करनी थी कि आप बच्चों के लिए कोई वीक रखा करें. पूरा हफ्ता बच्चों के लिए रखेंगे, ठीक है. बच्चों के लिए लंच के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए? ठीक है, ओके, करेंगे जरूर. बाकी आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. देखते रहिए, ट्राई करते रहिए. और अभी मैं देख ही रही थी और मैंने आज फर्स्ट टाइम कॉल की है. थैंक यू जी, वेलकम टू आवर शो. मैं समझती थी शायद लोग ऐसे ही कहते हैं कि कॉल मिलती नहीं है, ये वो. मैंने हमेशा ट्राई किया, मेरी कभी नहीं मिली, आज फर्स्ट टाइम कॉल मिली. आपकी किस्मत में आज बात करना था तो फिर आज मिल गई कॉल, ठीक है ना जी? आपकी किस्मत में आज बात करना था. हाँ जी, मैं बल्कि आपको देख भी रही हूँ. देख भी रही हैं, बात भी कर रही हैं. रेसिपी ट्राई करिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया. और बच्चों का प्लीज पूरा वीक रखिएगा. ओके ठीक है जी, है ठीक है ठीक है. और कुछ? ओके थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज. ठीक है, तो नाजरीन दिस इज ऑल्सो डन, क्लियर अप एंड टाइम टू एंड द शो ऑल्सो. ऊपर मैंने थोड़ा सा डिप करके ऑलिव ऑयल डाल दिया था, ये देखें इस तरह. आप बीच में ऑलिव ऑयल जरूर डालिएगा. और ऊपर मैंने थोड़ा सा छिड़क दिया था लाल मिर्चों का पाउडर या पैप्रिका या जो भी आपके पास हो घर में, वो आप डाल सकते हैं. आई होप आपको आज का शो अच्छा लगा होगा और आप रेसिपी जरूर ट्राई करिएगा, मुझे फीडबैक दीजिएगा. आज हमने विंटर वेजिटेबल स्टू बनाया था और हुमस बनाना सिखाया था, लेकिन बीटरूट के साथ, ठीक है, चुकंदर के साथ जरूर ट्राई करिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा. इसी तरह सर्व करिएगा गाजर के साथ, खीरे के साथ, पीटा ब्रेड के साथ, और ऑलिव्स आप डाल सकते हैं ऊपर, चुकंदर के थोड़े से पीसेस. आप चुकंदर के थोड़े से पीसेस भी ऊपर सर्व कर सकते हैं. चुकंदर को आधा बॉईल करके थोड़ा सा कच्चा रख के उसके भी आप स्टिक्स स्ट्रिप्स इस तरह कर सकते हैं, ठीक है जी. टाइम टू जस्ट क्लीन अप एंड देन से गुड नाइट. और कल जरूर आइएगा हमसे मिलने, हम सब आपके लिए मुंतजर रहेंगे और हम वेट करेंगे. हमारे सारे फैंस और व्यूअर्स हमें मिलने आएंगे, जरूर आइएगा. मेरा टाइम है कल 1:30 to 3:30 तक अंदर हॉल में, ठीक है, और बाहर फिर हम आएंगे कुकिंग करने के लिए. तो मुलाकात होगी कल और परसों आपसे और फिर यहाँ फूड डायरीज के सेट पे पीर से जुमा आप देखेंगे. अगला हफ्ता पूरा मज़े का गेस्ट वीक है. तो इसी के साथ आप दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त. जाते जाते याद दिलाती चलूँ कि मसाला है तो खाने में है मज़ा. अल्लाह हाफिज़.
लिया और उसको हमने पकने दिया। अब नमक कुटी हुई ये हम खोल देते हैं, दिस इज डन। ओके, अब हमने क्या किया, सब्जियां कौन सी इस्तेमाल की, मैंने शिमला मिर्च, हरी प्याज, गाजर और क्या था, फली और क्या था, हाँ कॉलीफ्लावर था, फूल गोभी। देखे मैं बूढ़ी हो गई, मुझे लगता है मैं भूल जाती हूँ चीज़ें, मुझे बादाम खाने चाहिए कल सुबह। और ये मैंने डाल के उसको मैंने ज़रा सॉटे कर दिया, नमक काली मिर्चें और मज़ीद थोड़ी सी डाल दी, और फिर मैंने जो वो सूप बनाया था प्याज टमाटर वाला वो डाल दिया, छना हुआ, हाँ प्लीज़ वो डाला, और एक उबाल आ गया। सब्जियां भी पक जाती हैं जल्दी से, सब्जियों को गलाइए नहीं। आपने देखा मैंने चूल्हा बंद कर दिया था ब्रेक में, सब्जियां गल गई थी, ठीक है, एक क्रंच एक बाइट होना चाहिए सब्जियों में। और फिर मैंने एक उबाल आ गया तो मैंने दूध डाल दिया और हरी प्याज मैंने अभी एंड में डाली कि हरी प्याज बहुत ज़्यादा गल नहीं जाए। और ये सारी चीज़ें आप सब्जियां अलग बना के सूप अलग बना के रख सकते हैं, फिर खाने के टाइम पे आप उसको मिक्सअप कर दीजिए, ठीक है, और फिर आप उसको एक उबाल आए और फौरन आप उसको सर्व कर दीजिए, वरना बहुत देर सब्जियां पका के आप इस तरह रखेंगे तो उनका कलर सा मुरझा सा जाएगा, दे विल्ट ऑल्सो। और मैंने दूध डाल दिया एंड दिस इज रेडी, मैं आपको दिखा देते हैं, ये कंसिस्टेंसी है इसकी, और इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं करिएगा, ठीक है, आप चावलों के साथ भी खा सकते हैं, अगर आप डिनर रोल्स के साथ खाना चाह रहे हैं तो फिर थोड़ा सा आप उसको और मज़ीद कुक करिएगा। इसमें आप बहुत सारी सब्जियां डाल सकते हैं जो भी आपको पसंद है। सलमा है कराची से, उनसे करते हैं बात अब। हेलो जी। हेलो जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? जी बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ शुक्रिया, फरमाइए। आपकी डिशेस बहुत अच्छी होती है, हम लोग सारी करते हैं। थैंक यू, करते रहिएगा इसी तरह, कोई फरमाइश है तो बता दीजिए। जी नहीं, आप सारी पूरी हो जाती है, फरमाइश कोई नहीं है। ठीक है, तो आप आएंगी कल? जी हाँ, मैं तो कल परसों दोनों दिन आऊंगी एक्सपो पे। सुने ये बोलते हैं कि टिकट जो है पहले मंगवा के रखें? नहीं नहीं, गेट पे मिलेंगे, गेट पे मिलेंगे जी, पहले से नहीं मंगवाइएगा, गेट पे आके खरीद लीजिएगा, ठीक है? चलें ठीक है, ओके थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ओके, अब हम दूसरी रेसिपी पे आते हैं, फिर हम ब्रेक में इसको निश में निकाल देंगे। यहाँ पीटा ब्रेड है, पीटा ब्रेड को हम मैंने इतने बड़े बड़े इस तरह ट्रायंगल्स में काटा हुआ है। द रीजन इज कि मेरे पास यहाँ वो डिप एंड चिप बोल्स नहीं आते हैं उस तरह, वन मोर गैजेट, वन मोर समथिंग फॉर माई शो, ये इसमें आप रख सकते हैं ऑल द डिप या जो भी आपको सॉस रखना हो, या फ्रेंच फ्राइज रख सकते हैं, या आप इस तरह कटी हुई सब्जियां भी रख सकते हैं, ठीक है। क्लिंग लगा के मैंने सब्जियों को रख दिया था, और ये हैं गाजर और खीरा, इस तरह इतना टाइट बंद किया है कि कहीं गाजर और खीरा भाग नहीं जाए। हाँ ओके, मीनवाइल लेट्स स्टार्ट पुटिंग देम। थोड़ा सा हल्का सा पीटा ब्रेड को ब्राउन करना जरूरी है, पीटा ब्रेड इस फॉर्म में कच्चा होता है, आधा कच्चा होता है। दिस विल गो लाइक दिस, ठीक है, दिस इज योर। हमेशा चिप्स के साथ नहीं सर्व किया करें चीज़ों को, और हमेशा हुमस वगैरह तो आपको पता है कि वो तो हम हमेशा सर्व करते हैं विथ वेजिटेबल्स, या फिर हम सर्व करते हैं उसको पीटा ब्रेड के साथ, सो वी डू दैट। इसको आपने हल्का सा टोस्ट करना है, ठीक है, और जो सारे अज्जा हैं, अगर आपको बीटरूट हुमस नहीं बनाना है तो आप इसमें से सिर्फ बीटरूट निकाल दीजिएगा, दूसरी सारी चीज़ें यही डाल दीजिएगा। नाउ लेमन जूस डिपेंड्स आपको कितना डालना है, और ऑलिव ऑयल भी जितना मैंने लिखा है उतना ही डालिएगा, वरना आपको ज़्यादा डालना हो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। नाजिया है लाहौर से, उनसे करते हैं बात। हेलो नाजिया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? कैसे हैं जनक आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच, आप कैसी हैं? हाँ जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है। आप ही माशाल्लाह आज कुकिंग बहुत अच्छी कर रही हैं। थैंक यू जी, ट्राई करिएगा रेसिपीज। जी रेसिपीज ट्राई करिएगा। बिल्कुल, मैं आपकी करती हूँ जी। क्या क्या कह रही हैं? जरा काफी मुझे आपसे एक वो भी है ना। हाँ तो मैं वो जो चॉकलेट बनाना बताते हैं आप लोग, उसमें चॉकलेट में फिल कर दीजिए, चॉकलेट में गणेश की जगह फिल कर दीजिए, या आप केक बनाना सिखाया है तो चॉकलेट केक में तय लगा दीजिए उसकी गणेश के साथ, या गणेश की जगह, ठीक है जी। ऐसे करिएगा ट्राई। जी
ओके थैंक यू, मैंने फर्स्ट टाइम फोन किया था, मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है और मैं रोज 7 बजे देखती हूँ। थैंक यू, ऐसे ही देखते रहिएगा पीर से जुमा हमारा शो। जी थैंक यू, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ओके अब हमने क्या किया था, थोड़ा सा तेल गरम किया, उसमें थोड़ा सा मक्खन डाला, उसको पिघलने दिया, फिर हमने लहसुन के जवे क्रश करके या चॉप करके डाल दिए। ठीक है, प्लीज बहुत दिनों पुराना अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं डालिएगा, सिर्फ लहसुन है चॉप करके क्रश करके उसी वक्त फौरन हो जाता है, वो डाल दिया। फिर हमने सब्जियां डाली, जो भी सब्जियां हो वो छोटी छोटी काट के डालिएगा, आप इसमें मटर डाल सकते हैं, आप इसमें 2-3 रंग की शिमला मिर्च डाल सकते हैं, मकई डाल सकते हैं। मैंने इसमें गाजर, फूल गोभी, बीन्स और शिमला मिर्च और फिर ये जाएगा हरे प्याज, अच्छा कुटी हुई काली मिर्चें, नमक कहीं मैं ऐसे नहीं डाल दूँ, अच्छा नमक मैं कम डालूंगी इसलिए कि मैंने टमेटो सूप जो बनाया था बेस इसका उसमें भी डाला है, तो नमक पहले हम कम डालेंगे, फिर ज़रूरत पड़ेगी तो हम और डाल सकते हैं बाद में। ओके अब इसको हमें एक दफ़ा फिर हम इसको सौटे होने देंगे, मक्खन में सौटे हुई सब्जियों की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, और ये जो टमाटो का जो हमने बेस बनाया था ना, जिसका सूप सा बनाया था, मैंने 1 किलो टमाटर लिए थे, बड़े बड़े पीसेस में काट लिए थे, 1/2 किलो मैंने प्याज लिए थे उसको भी बड़ा बड़ा चॉप कर दिया था, नमक, काली मिर्चें, प्याज, टमाटर और पानी के साथ मैंने कुक कर दिया था, फिर ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर दिया, छान लिया, बीज और इसका छिलका अलग हो गया, तो ये जो सूप आपके पास रेडी है इसको आपने इसमें डालना है। ठीक है, और इसमें ये पकेगा, और ये बहुत भारी बोल है, आई नीड एन असिस्टेंट, जब भी ये बोल भरा हुआ होता है इट्स टू हैवी। ओह, और इसको आपने देखें कितना स्मूथ इसका बेस हो गया। ठीक है, अब एक उबाल आ जाएगा, हम इसमें दूध डाल देंगे एंड योर स्टू इज रेडी। अच्छा, अब आप इसमें पानी थोड़ा सा डालेंगे, बिकॉज ये बहुत गाढ़ा है, मैंने इसलिए पहले पानी नहीं डाला था, बहुत थोड़ा सा पानी, एंड हम इसका ढक्कन ढांक देंगे वरना ये हर जगह उड़ेगा, और आंच भी हम हल्की कर देते हैं, और इसी के साथ हम लेते हैं छोटी सी ब्रेक। फूड डायरीज में आपने कहीं नहीं जाना है, हमारे साथ रहिए और देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं फूड डायरीज और मैं यहाँ दूर से खड़ी थी बिकॉज ये बहुत उड़ रहा है, नहीं मैं मजाक कर रही हूँ। ओके द स्टू इज रेडी, देखें सब्जियाँ इतनी अच्छी गल गई हैं लेकिन कलर उनका वही रहा है। अब हम इसमें एंड में हरे प्याज डाल देंगे बिकॉज वरना वो बहुत ज़्यादा नरम हो जाएंगे, और दूध डालेंगे 1 कप। ठीक है, कलर देखिए अब, और बहुत ज़्यादा इसको पतला नहीं रखिएगा, इसको आप डिनर रोल्स के साथ, ब्रेड के साथ, गार्लिक ब्रेड के साथ सर्व करिएगा, है ना। मुख्तलिफ सी रेसिपी ट्राई ज़रूर करिएगा, मुझे फीडबैक दीजिएगा। फूड डायरीज एट मसाला TV.TV मेरा ईमेल एड्रेस है, फूड डायरीज रेसिपीज के नाम से हमारा पेज है, फिर हम आपको दिखाएंगे पेज भी, 3,03,000 प्लस जो मेंबर्स हो गए वो वाला पेज ज्वाइन करिएगा। तो ये वाइट स्टू भी नहीं है और रेड स्टू भी नहीं है, इट्स अ मिक्सचर। नरगिस है हैदराबाद से, उनसे करते हैं बात। हेलो जी। हेलो, सलामकुम। सलामकुम, क्या हाल है? जी ठीक है, आप मुझे बहुत अच्छी लगती है, आपकी हर रेसिपी ट्राई की है मैंने, बहुत अच्छी होती है। वाकई हर रेसिपी ट्राई की है, तो फिर आप आके किसी दिन बनाइए ना हर रेसिपी में से कुछ मेरे लिए। अच्छा जरूर जरूर। और मुझे आपसे एक बात करनी थी, मुझे आपकी स्माइल बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हमारे साथ रहने का। रेसिपीज ट्राई करिएगा, ठीक है। कौन है? मैं हूँ आपकी बेबी पूछ रही कौन है। थैंक यू। ओके चले रिकैप कर देते हैं, मैंने क्या किया था, मैंने 1 किलो टमाटर लिए थे और 1/2 किलो प्याज लिए थे, ठीक है। उसमें नमक, काली मिर्चें डाल के, थोड़ा सा पानी डाल के उसको एक पैन में मैंने रख दिया था पकाने के लिए। जब वो गल गए टमाटर तो हमने ब्लेंडर में डाल के उसको ब्लेंड कर दिया, फिर छन्नी के थ्रू हमने उसको छान लिया, ठीक है। फिर वो बेस बन गया हमारे वेजिटेबल स्टू का। अब हमने क्या किया, थोड़ा सा तेल, थोड़ा सा मक्खन गरम करके, थोड़े से लहसुन के जवे चॉप किए हुए या क्रश किए हुए हमने डाल दिए और उसको हमने सॉटे कर दिया, ठीक है। फिर हमने सारी सब्जियां डाल दी और नमक, कुटी हुई काली मिर्चें भी डाल दी। क्रिएट कर सकें। महा है लाहौर से, उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? जी मैं अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, थैंक यू, फरमाइए। आपका शो बहुत अच्छा होता है, मैं तो आपको रेगुलर कॉल करती हूँ। जी जी, मैं आवाज पहचान गई, फरमाइए। हाँ जी, एक तो मैंने आपसे ये कहना था कि कल जो आपका एक्सपो सेंटर है उसके लिए मैंने आपको बहुत दुआएं देनी थी कि अल्लाह आपका जो हो रहा है वो बहुत अच्छे तरीके से हो। थैंक यू। और जी, आप लोगों का लाहौर कब होना है एक्सपो? लाहौर हम सितंबर में आए थे ना, आप पता नहीं इस साल कब आएंगे, पिछले साल तो सितंबर में आए थे। हाँ, मेरा बड़ा दिल करता है कि आप जल्दी से बस आ जाएं इधर भी, हमने भी मिलने आना है। हमें भी आना है लाहौर, हमें बहुत सारी शॉपिंग करनी है, मजे मजे का खाना खाना है।
जी जरूर। अच्छा मैंने कहना था कि कोई नगेट्स बनाना बता दें जो चिकन के पीस से नहीं बनते, छोटे छोटे पीस करवाते हैं, एक तो होता है ना उसका कीमा होता है उसके, नहीं जो चिकन के पीस होते हैं, चिकन के पीस के साथ और चिकन के कीमे के साथ दोनों तरह के मैं करा चुकी हूँ। इनफैक्ट मसाला के पेज पे कल अपलोड भी हुए थे, तो आप मसाला टीवी के वेब पेज पे देख लीजिएगा या फिर आप मेरे पेज पे देख लीजिएगा, ठीक है जी। मैंने तो दोनों लाइक किए हैं, लेकिन मैं अभी जाके फोटो सेक्शन देखिएगा, आई थिंक उन्होंने कल ही दोबारा वो किया था, रीपोस्ट किया था, ठीक है थैंक यू। अच्छा ये देखें, ये जो बीज थे, जो छिलका था वो छन्नी में रह गया, और ये अच्छा सा एक स्मूथ सा प्यूरे आपका टमाटर और प्याज का इसमें निकल आया है। मुझे थोड़ा सा पानी डाल के इसको बस मिक्स कर देना है, एंड दैट्स इट। बहुत थोड़ा सा पानी इसमें डालेंगे, ये आपके स्टू का बेस बन गया है। This is also done. अब हम थोड़ा सा मक्खन और तेल गरम करेंगे, उसमें थोड़ा सा लहसुन को थोड़ा सॉटे करेंगे, थोड़ा सा तेल और बहुत थोड़ा सा मक्खन, और फिर हम इसमें सब्जियां डालेंगे। सब्जियां डालने के बाद बहुत ज़्यादा आपने ओवर कुक नहीं करनी है सब्जियां, ठीक है। ये जो सारी सब्जियां हैं तो बहुत ही जल्दी गल जाएंगी, आलू होता तो आप पहले आलू डालते, अब ये बीन्स भी हो जाएंगे, शिमला मिर्च भी हो जाएगी। इनफैक्ट आई लाइक माय शिमला मिर्च हमेशा थोड़ी कच्ची पक्की, क्रंच उसमें रहता है। और सब्जियां अगर आप ओवर कुक करके उसकी भुजिया बना देंगे ना, या भुरता बना देंगे उसका आप, तो फिर क्या होगा, सारे जो न्यूट्रिएंट्स होंगे आपके सब्जी के वेजिटेबल्स के वो तो ख़त्म हो जाएंगे। तो सब्जी खाने का फ़ायदा क्या हुआ ना, उसका रंग बरकरार रहना चाहिए, रंग भी मुरझाना नहीं चाहिए। तेल और मक्खन, फिर लहसुन के जवे, और हमने इसमें सब्जियां डालना शुरू करना है। तो पहले मैं इसमें ये फूल गोभी डालूंगी, कॉलीफ्लावर, ठीक है, छोटी सी एक ली थी और छोटे छोटे पीसेस में काट लिया था। फिर उसमें हम डालेंगे फली, ग्रीन बीन्स, कोई भी बीन्स ले लीजिए, तीन चार एग्जाम के मिल रहे हैं आजकल मार्केट में, शिमला मिर्च, गाजर, और मैं हरे प्याज बाद में डालूंगी, नॉट नाउ, बहुत ज़्यादा मुरझा जाते हैं जल्दी से। इनको ज़रा सॉटे कर दीजिएगा मक्खन तेल और लहसुन में, फिर काली मिर्च और नमक दोबारा इसमें हम डालेंगे। और नसरीन से बात करते हैं, उन्होंने कराची से कॉल की। हेलो जी, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे, मेरे पास मार्शमेलो क्रीम है, तो प्लीज आप मुझे मार्शमेलो क्रीम से कुछ बनाना बता दें। ठीक है, बनाना बताएंगे। मार्शमेलो क्रीम यहाँ सबको अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैंने रेसिपीज नहीं की है। बहुत सारी ऐसी रेसिपीज हैं जो आप कुकी डो के साथ कर सकते हैं, ब्राउनी के साथ आप उसको एक लेयर ऊपर कर सकते हैं, फिर उसके ऊपर गनाश डाल दीजिएगा, केक के बीच में आप लेयर कर सकते हैं, ठीक है, यू कैन यूज दैट। ओके ठीक है। मैंने भी यहाँ से नहीं खरीदी है, मैं बाहर गई थी तो वहां से मैं लेकर आई हूँ जी। मुझे पता है यहाँ नहीं मिलती है मार्शमेलो क्रीम, और बहुत मजे की होती है, मगर रेसिपी मैं ऐसी कराती हूँ अपने शो पे जो सारे अज्जा कराची में पाकिस्तान में अवेलेबल हो ना। हमारे दूसरे व्यूअर्स फैंस क्या करेंगे, मार्शमेलो क्रीम कहाँ से लाएंगे जी। जी सही सही कह रही हैं आप। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड इवनिंग, वेलकम टू फूड डायरीज। मैं हूँ ज़ारनक सिद्वा, आपके सामने हाजिर एक और एपिसोड के साथ। आज हम क्या बनाने जा रहे हैं जी, आज हम विंटर वेजिटेबल स्टू बनाने जा रहे हैं, बहुत ही आसान बहुत ही मज़े का। टमेटो सूप पहले हम बनाएंगे, उसका हम बेस बनाएंगे, और फिर हम सब्जियां डालेंगे। और आपको पता है इस सीज़न में सब्जियां बहुत अच्छी आती हैं, तो मैंने कहा व्हाई नॉट मेक मोस्ट यूज़ ऑफ इट। और दूसरी रेसिपी आज की हमारी है हुमस, लेकिन हुमस हम आज एक अज्जा डाल के बनाएंगे जिससे बहुत ही मुख्तलिफ सा बनेगा, कलर भी इसका चेंज हो जाएगा, तो वो है बीट रूट।
चुकंदर का हम हुमस बनाएंगे, ठीक है। आजकल इट्स रियली इन टू मेक रेड पेपर हुमस, यानी कि लाल वाली जो शिमला मिर्च होती है उसको रोस्ट करके उसका हुमस बनता है। ऑलिव्स वगैरह तो हम डालते ही हैं जब रेगुलर हुमस बनाते हैं, लेकिन बहुत सारे मुख्तलिफ फ्लेवर्स के साथ आप प्ले अराउंड करेंगे ना। बेसिक रेसिपी हुमस की एक ही होगी, उसमें आप चीज़ें डालें और एक्सपेरिमेंट करें और देखें कितना मज़े का बनता है, कितना हेल्दी होता है। इसमें ऑलिव ऑयल होता है, ताहिनी पेस्ट होता है, ज़रूर इसको ट्राई करिएगा, ठीक है। दिस इज़ अ वेरी सिंपल रेसिपी, एज अ डिप यू कैन हैव इट, एन्जॉय इट विथ पीटा ब्रेड या फिर सब्जियाँ या फिर चिप्स या ब्रेड स्टिक्स, वट एवर यू लाइक। तो ये तो बस ब्लेंडर में जाके हर चीज़ ब्लेंड हो जाएगी। विंटर वेजिटेबल्स स्टू हम बनाने जा रहे हैं, उसके लिए हमें पहले क्या करना है, 1 किलो टमाटर लिए हैं मैंने यहाँ। 1 किलो टमाटरों को आपने डाल देना है एक बोल में, एक पैन में इनफैक्ट। उसमें आपने 1/2 किलो प्याज डालनी है, ठीक है। और आप देखेंगे कि मैंने इतनी बड़ी बड़ी प्याज और टमाटर काटे हुए हैं, तो ये क्या है जी, तो ये हम पकाएंगे। जब ये नरम हो जाएंगे इनको हम ब्लेंड कर देंगे, फिर हम इसको छान लेंगे, ठीक है। तो ये टमेटो का जो एक स्टॉक सा बन जाएगा, आप ऐसे ही समझ लीजिए, ये बेस होगा हमारी इस स्टू का। हम इसमें डालेंगे पानी और नमक, काली मिर्चें डाल के इसको हम पका देंगे, दैट्स इट। नमक, काली मिर्चें, प्याज, पानी और टमाटर, एंड दैट्स इट। इसको हम ढक देते हैं, इसको हम पकने देते हैं, ठीक है, ओके। फिर हम क्या करेंगे, मैंने क्या सब्जियां इस्तेमाल की हैं यहाँ, कॉलीफ्लावर है यानी कि बंद गोभी, सॉरी फूल गोभी, और इसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट दिया है, और ये है हरे प्याज, ये है फली, कोई भी बीन्स आपको इस्तेमाल करने हो जो भी आपको अच्छे लगते हो, शिमला मिर्च है और गाजर है, ठीक है। आप इसमें आलू डाल सकते हैं, आप इसमें कॉर्न डाल सकते हैं, आप इसमें मकई के अलावा जो भी कोई भी सब्जियां आपको अच्छी लगती हैं, छोटी छोटी ब्रोकली डाल सकते हैं, जो भी सब्जियां आपके शहर में मिलती हों, आपको अच्छी लगती हों, घर में लोग खाते हों, वो इस तरह पका लीजिएगा। और सारी सब्जी एक ही साइज़ की रखिएगा ताकि साथ ही पक जाए। बहुत बड़ी छोटी होंगी तो छोटी जो होंगी जल्दी गल जाएंगी, बड़ी जो होंगी वो कच्ची रह जाएंगी। सो कीप ऑल द वेजिटेबल्स इक्वल साइज़ की काटिएगा, ठीक है, ओके। ये है, अब इसकी क्वांटिटीज़ भी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू मेक लार्ज क्वांटिटीज़ आप ज़्यादा रखिएगा। मैंने एक छोटी सी फूल गोभी लिया हुआ था, और मैंने बस 2 हरे प्याज लिए थे, 1 गाजर लिया था बड़ा, 1 शिमला मिर्च थी, और ये बस 1/2 पाव जितने थे, ठीक है, बिकॉज ये सारा बनेगा भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ओके। तो यहाँ टमाटर, प्याज, पानी, काली मिर्चें और नमक डाल के हमने इसको पकाना है। जब ये हो जाएगा, अब ये मैं करके रख देती तो फिर क्या करती ना आपके सामने, तो इसलिए मैंने ये रखा है अभी। दिस विल टेक सम टाइम, जब थोड़े से टमाटर नरम हो जाएंगे, गल जाएंगे, तो हम ब्लेंडर में डाल के उनको ब्लेंड कर देंगे, फिर हम छान लेंगे छन्नी के थ्रू ताकि बीज और जो उसके छिलके वगैरह हों वो निकल आए, और फिर हम उसका जो उसको पकाएंगे ताकि वो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए, उससे हम फिर यूज़ करेंगे, ओके। दिस इज़ योर बेस फॉर द विंटर वेजिटेबल स्टू। आपको याद दहानी के लिए बताते चलें कि कल और परसों हम सब होंगे, सारे मसाला के शेफ्स होंगे, लाइव कुकिंग करेंगे, आपसे मुलाकात करेंगे, तस्वीरें आप खींच सकते हैं, मिल सकते हैं, ऑटोग्राफ ले सकते हैं, बातें कर सकते हैं, कोई चीज़ पूछनी हो वो पूछ सकते हैं, ज़रूर आइएगा एक्सपो सेंटर कराची में। कल मेरा टाइम वहाँ 1:30 बजे के बाद का है, मैं अंदर होंगी 1:30 से 2:30-3 बजे तक, फिर मैं बाहर आऊँगी, और वहाँ कुकिंग का जो पूरा फूड कोर्ट होता है और बहुत सारे स्टॉल्स हैं, इस दफ़ा 2 हॉल्स की जगह 4 हॉल्स हैं, तो बहुत बड़ा है इस दफ़ा एक्सपो, तो ज़रूर आइएगा मसाला फैमिली फेस्टिवल में। देखें, इट्स कुकिंग ना, सारे शेफ्स के टाइम ऐसे ही हैं, दोपहर से शाम रात तक। आई एम श्योर सबने अपने शोज में अनाउंस भी कर दिए होंगे। अच्छा, मैं इसमें थोड़ा पानी बाद में डालूंगी, आई डोंट वांट कि बहुत ज़्यादा पानी हो, पहले ज़रा टमाटर और प्याज पक जाएं, फिर हम ब्लेंड करेंगे, छानेंगे, उस तरह हम पानी डालेंगे। बहुत ज़्यादा पानी होगा तो फिर वो बहुत ज़्यादा पतला रह जाएगा, और एंड में हमें इसमें दूध डालना है। सो यू कैन सी दैट इट्स गोइंग टू बी अ वेरी नाइस, वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ अ स्टू, तो इसको ज़रूर आपने ट्राई करना है, ओके। शैल वी टेक अ ब्रेक अब? अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये आपको बताती चलूं कि
सैटरडे और संडे मैं हूँ, यही टाइम्स, ठीक है। संडे को भी मेरा यही टाइम है, दोपहर में मैं अंदर होंगी, जहाँ हॉल है हमारा, एक्टिविटीज़ जहाँ होती हैं, जहाँ हम गेम्स आपसे खिलवाते हैं और जहाँ हम आपको गिफ्ट्स देते हैं और जहाँ आप लोग हमसे मिल सकते हैं, तो ज़रूर आइएगा। बहुत सारे लोगों ने मुझे ऑलरेडी लिखना शुरू कर दिया है टाइमिंग्स और टिकट्स, तो टिकट्स अवेलेबल हैं गेट पे। और हाँ जी, नेक्स्ट वीक का भी आपको याद दिलाती चलूँ कि मंडे टू फ्राइडे आपको पता है पीर से जुमा हमारा शो शाम को 7 बजे लाइव होता है। गेस्ट वीक हमने रखा है, बहुत सारी बच्चियां हैं, लेडीज हैं जो घर से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाती हैं, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा हमारा शो, हमारे साथ रहिएगा, उनको भी इनक्रेज करिएगा, सारे नए गेस्ट हैं हमारे शो पे, और वो बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाएंगे जो डिफरेंट सी यूनिक सी वो बनाते हैं घर में या बेचते हैं। और दो तो आई थिंक छोटी बच्चियाँ हैं जो स्कूल गोइंग हैं और अभी से वो बिजनेस भी कर रही हैं, उन्होंने अपने पेजेस भी बना दिए हैं और वो बेच भी रही हैं चीज़ें। सो दैट्स रियली अ नाइस थिंग एंड आई रियली लाइक टू एनकरेज चिल्ड्रन जो इस एज से कुछ करते हैं, कुछ करना चाहते हैं, सीखते हैं हमसे और फिर चीज़ें बनाते हैं। सो आई रियली एनकरेज दैट, मुझे बहुत मज़ा आता है ऐसे लोगों को एनकरेज करना और इस प्लेटफॉर्म पे लेके आना फूड डायरीज़ के, और एंड आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट। तो अगर आप भी घर पे कुछ बनाते हैं, कुछ करते हैं, ऐसी कोई चीज़ आप करते हैं अगर, तो फिर आप ज़रूर हमें लिखिएगा फूड डायरीज़ के पेज पे और बताइएगा आप लोग क्या क्या करते हैं। इट नीड नॉट ओनली बी कुकिंग, कुछ और भी अगर करते हों तो मुझे ज़रूर लिखिएगा, आई वुड लाइक टू नो। और इसी के साथ नाज़रीन हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, आपने कहीं नहीं जाना है, हमारे साथ रहिएगा जब तक कि टमाटर प्याज ज़रा पक जाएं, फिर वील स्टार्ट आर वेजिटेबल स्टू। स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग फूड डायरीज। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं फूड डायरीज और मैंने क्या किया था, विंटर वेजिटेबल स्टू हम बना रहे हैं। तो मैंने प्याज आधा किलो, एक किलो टमाटर, एक टीस्पून नमक और एक टीस्पून कुटी हुई काली मिर्चें, एक कप पानी के साथ इसको मैंने पका दिया था पैन में, ठीक है। जब टमाटर नरम हो गए तो हमने उसको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर दिया था, एक बैच मैंने ब्लेंड करके छान लिया है, दूसरा बैच आपके सामने हम करेंगे। अब ये हो गया है, अब इसको हम छन्नी के थ्रू, आपने देखा मैंने ज़्यादा पानी नहीं डाला था, बाद में आप डाल सकते हैं, बहुत ज़्यादा पानी होगा तो हमें इसको बहुत ज़्यादा फिर कुक करने में टाइम लगेगा ना। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे इन आ ब्लेंडर, इसको आपने छान लेना है। टमाटर प्याज काली मिर्चें नमक और पानी, बस और कुछ नहीं था, ठीक है। छन्नी के थ्रू इसको आप स्ट्रेन कर दीजिएगा, ओके, ये हो गया। कौन कौन आ रहा है कल हमें एक्सपो पे मिलने, जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे रेगुलर कॉलर्स हैं जरूर हमें अपना नाम भी बताइएगा ताकि हमें पता चले कि कौन कौन आया था जी मिलने, और हम आपके नामों के साथ, आवाज के साथ, फिर फेस भी एसोसिएट।